एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। इन शर्तों के साथ टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक दे सकेंगे प्रधान शिक्षकों की परीक्षा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। क्या क्या शर्त होगी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने के लिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने टीईटी एसटीईटी पास नियोजित शिक्षकों को अंतिम राहत देते हुए उन्हें प्रधान शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भ्रामक बताकर हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इसमें सुधार की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है तो अन्य राज्यों की तरह प्रधान शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी योग्यता को लागू करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने टीईटी एसटीईटी पास नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने की इस शर्त के साथ अनुमति दी है कि इसका रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं कोर्ट के फैसले से पहले किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकेंगे। वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।